सुकेश पिछोड़ बात क्या था, घर बैठे कैसे अपना एक अकाउंट खुलवाना है वो भी फुल केवाईसी के साथ वीडियो केवाईसी पे। तो गाइस यहाँ पे मेरा 10 दिन हो चुका है और मेरा एटीएम मेरे घर पे पहुँचा दिया गया है। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं अपना एटीएम बिना ब्रांच विजिट किए, बिना एटीएम विजिट किए मैं घर बैठे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मैं अपना एक पिन जनरेट करूँगा और मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊँगा जिससे मैं अपना UPI यूज कर सकता हूँ और फेड मोबाइल बैंकिंग का सारा फीचर में एक्सेस कर सकता हूँ इस डेबिट कार्ड के एक्टिवेशन के बाद। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। तो यहाँ पे गाइस कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इस नंबर पे आपको सिंपली डायल करना है अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से और अपना पिन जनरेट करना है। तो चलिए मैं फटाफट अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से इसी नंबर पे डायल करता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने मोबाइल के डायल सेक्शन में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं डायल करता हूँ 0484286 और 6700, ये मैं डायल करता हूँ और यहाँ पे कुछ ग्रीन पिन सर्विस, यू कैन सेट योर डेबिट कार्ड पिन इंस्टेंटली यूजिंग अ वन टाइम पासवर्ड, प्रेस 1 टू जनरेट अ वन, प्लीज एंटर योर ईयर ऑफ बर्थ इन YYYY फॉर्मेट, प्लीज एंटर द लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ योर डेबिट कार्ड नंबर. You will soon receive the soft PIN as one-time password through SMS and voice call. PIN service. You can set your debit card PIN instantly using a one-time password. Press 1 to generate a one-time password OTP for activating your debit card. Press 2. If you already have an OTP, please enter the soft PIN received in your mobile number. Please enter the last 4 digits of your debit card number. Please enter the expiry date of your debit card in MMYY format. Please enter a new 4-digit PIN for your debit card. Please re-enter the new PIN. You have successfully set your debit card PIN. Thank you for using Federal Bank Debit Card Green PIN Service. तो यहाँ पे गाइज आपको पिन जनरेट होने के बाद आपको एटीएम पिन जब आप बना लेते हैं तो आपको फेड मोबाइल बैंकिंग आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है और यहाँ पे आपको इस प्रोसेस को आगे करके आपको अकाउंट नंबर सिंपली यहाँ पे डालना है। अकाउंट नंबर गाइज डालने के बाद आपको सिंपली अपना एटीएम का डिटेल्स डालना है और इस प्रोसेस को आगे करना है। सिंपली आपको एक एम पिन लॉगिन करने के लिए देगा, वो आप एम पिन यहाँ पे बना लेंगे। उसके बाद गाइज आप अपने बैंक के सारे फीचर्स को आप एक्सेस कर पाएंगे। आप ऑनलाइन अप्लाई लोन भी कर सकते हैं, अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को आप मैनेज भी कर सकते हैं, आप अपने विड्रॉल लिमिट को घटा बढ़ा सकते हैं, आप अपने एटीएम को ब्लॉक या फिर ऑन ब्लॉक कर सकते हैं अगर आप फेड मोबाइल बैंकिंग को रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर लेते हैं। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में आपको इंटरनेट बैंकिंग कैसे एक्टिवेट करना है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अपने यूजर आईडी को कैसे इनेबल करना है, कैसे एक्टिवेट करना है अपने यूजर आईडी को। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन एक होम लोन ले सकते हैं 5 लाख तक। मैं आपको लाइव प्रूफ अपने होम लोन लेके मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसको इंस्टॉलमेंट भरना है, क्या क्या चीज़ें इस पर करना है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही।